देखिए, यह एक दुनिया है और आप एक इंसान हैं। यहाँ सपने तो हर कोई देखता है, मगर उसे पूरा वही करता है जो अपना समय उस मंजिल को देता है। तो आइए इस वीडियो में एक कहानी की तरह समझते हैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियाँ को दूर करें। एक बार कमजोरियाँ दूर हो जाएगी तो फिर आप कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आप जो फिर कभी कर पाइएगा। सुकारत ने उस इंसान को कल सुबह नदी के पास मिलने को कहा। वहीं पर उसे अपने पक्ष का जवाब मिलेगा, उसने ऐसा कहा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकारत ने उसे नदी में उतार कर गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरने आगे की तरफ लगा। जैसे ही वह व्यक्ति ने अपनी नाक ने पानी में डुबाया तो सुकारत ने उसे अचानक उसका मुंह उसमें डुबा दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छरपटाने लगा, मगर उसकी कोशिश नाकाम रही। कुछ समय बाद सुकारत ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी ही अपना मुंह पानी से बाहर निकाल कर जल्दी जल्दी सांस लिए। सुकारत ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तुम क्या चाहते जब तुम पानी में थे? व्यक्ति ने कहा कि मैं जल्द से जल्द पानी से बाहर निकल कर सांस लेना चाहता था। तभी सुकारत ने कहा, यही तुम्हारे पक्ष का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहो जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमें जो काम चाहे, हमें जो चीज़ चाहिए कि हम उसको पूरी अच्छी तरह से करने का प्रयास करें तो हमें ज़रूर ही मिलता है और मिलेगा भी। ये मेरा वादा है सभी से। तो जय हिंद, जय भारत।